हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं आप सभी के बीच अपनी इस रिपोर्ट में सीसीटीवी फुटेज के बारे में, जिससे जुड़ी जानकारियाँ सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। जैसा कि आप भी जानते ही हैं, एसएसआर को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल लगातार जारी है, तो वहीं उन्हें लेकर कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिसके बारे में सुनकर फैंस भी काफ़ी ज़्यादा दुखी है। तो ऐसे आप बता दें, पुलिस मुंबई के बांद्रा पुलिस थाने से पुलिस ने कुछ और भी पता लगाया है, और वो बातें काफ़ी ज़्यादा आपको सुनकर दुखी होगी। सच तो ये है कि एसएसआर के घर की अगर बात की जाए, तो उनके घर को लेकर ये जानकारी सामने आई है कि एसएसआर के घर, उनके कमरे और उनके आसपास, दरवाजे के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। ये बुरी खबर आई है कि उसे अब कुछ नहीं पता लग पाएगा। अब उस बिल्डिंग के कैमरा को लेकर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन उनके घर में कोई कैमरा नहीं लगा था, जिसकी वजह से सीसीटीवी के ज़रिए कुछ भी पता करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन माना जा रहा है। जानकर आपको भी तकलीफ़ होगी, लेकिन यही सच है कि एसएसआर के बारे में कि वो कब गए, कब अंदर आए और कौन उनसे मिला आखिरी बार, इस बारे में पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। किसी सूत्र के हवाले ये पता चला है कि यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी सितारे बॉलीवुड में, जो बात कर रहे हैं एसएसआर के बारे में, उनके डिप्रेशन के बारे में, लेकिन सच्चाई यही है कि वो डिप्रेस थे, लेकिन इस बारे में उन्होंने कभी भी किसी को नहीं बताया था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।